चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास के प्राचीन व मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसरों के बारे में। एलोरा के किस कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासन ने करवाया था, शासक ने? तो ये था राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने। अगला, पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स को। अगला क्वेश्चन है, कर्नल स्लीमैन ने ठगों का उन्मूलन किसके शासनकाल में किया था? विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। अगला, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना किसका भुगतान सीधा राज्य से किया जाता था, किसने बनाई थी? ये अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ? ये हुआ नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? ये था चालुक्य वंशी मूलराज द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने लंका को सबसे पहले जीता? राज राजा प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के विनाश के बाद स्वतंत्र पांडव साम्राज्य की स्थापना करने वाला नरेश था मार वर्मन सुंदर पांडव। अगला है, बेटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समस्त भारत का वासा कौन था? जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? समुद्र गुप्त के। अगला है, कालिदास की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो है ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, फिर मालविकाग्निमित्तम, और फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, विक्रम बरसियम। अगला, प्राचीन भारत का विश्वकोश किन ग्रंथों को कहा जाता है? पुराणों को। अगला, गंग वंश के नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, इस मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? याद रखिए नागर शैली में। अगला, इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 में किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया? चंगेज खान है, मंगोल आक्रमणकारी था। कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? फिरोज तुगलक। अगला, कन्नौज कन्नौज का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। अगला, मुगलों के शासनकाल में सेना विभाग की देखभाल करने वाला अधिकारी था? ए मीर ए बख्शी। अगला है, आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु के काल में किया गया था? गुरु अर्जुन देव के काल में। अगला है, जेबू त्रिसा किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? औरंगजेब की। अगला है, खापी खाकू किसके शासनकाल में राज दरबार से आश्रय प्राप्त हुआ था? तो ये था औरंगजेब के शासनकाल में। अगला है, अष्ट प्रधान के 8 पदाधिकारों पदाधिकारियों में दबीर या सुमंत को दायित्व दिया गया था? विदेशिक विभाग मामलों का। अगला, आईने अकबरी के रचनाकार कौन थे? अबुल फजल। अगला क्वेश्चन, किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने 7 दिल्ली सुल्तानों का काल देखा? अमीर खुसरो के काल के बारे में। अगला है, महमूद गवा ने किस शासक की सेवा की है? बहमनी शासकों की। अगला है, मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम था जूना खान। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की? ये 1875 में बम्बई में। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में किस सम्मेलन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में। अगला है, सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद महमूद किस रास्ते से वापस गया था? सिंध के रास्ते से। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जलालुद्दीन फिरोज किस वंश का शासक था? खिलजी वंश का। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाइतुल फुतुह का संबंध किस सुल्तान से था? अलाउद्दीन खिलजी से। अगला क्वेश्चन है, वास्तुकला की राज सिंह शैली किस राजवंश से संबंधित थी? पल्लव वंश से। अगला क्वेश्चन है, चोलों की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी?
राजतंत्रात्मक व्यवस्था। अगला है जहां पनाह नामक चौथरी दिल्ली के शासक ने बसाई थी, मोहम्मद तुगलक में। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम किसे शासन काल में प्रसिद्ध था, किसके में, पल्लवों के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाजा जैसे इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक मूल रत्न समझा जाता है, का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था, तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है तंजोर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था, चोल वंश के शासक ने। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है, नगर था लोथल। अगला क्वेश्चन है राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, ये किसका किसने कहा था, कौटिल्य ने। अगला क्वेश्चन है थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, विभाकर वर्धन। अगला क्वेश्चन है प्राचीन में पूर्वी समुद्र पर तट पर स्थित किस बंदरगाह से सुमात्रा, जावा, चीन आदि से व्यापार होता था, ये था तामिलीपति बंदरगाह से। अगला है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। अगला है नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अगला है क्वेश्चन अंग्रेजों द्वारा बनाई गई योजना ऑपरेशन जीरो आवर क्या थी, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व, गांधी जी सहित कांग्रेस के नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना थी। अगला क्वेश्चन है शक संवत कब से मनाया जाता है, 78 AD से। अगला है महाराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है, इल्तुतमिश से। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में मंत्रियों की नियुक्ति एवं पदच्युति कौन करता था, सुल्तान। अगला है अमीर खुसरो की किस एक कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है, खजायान उल फुतुह में। अगला है कुश्ती मार्ग के संस्थापक कौन थे, वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाए रखें, औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में किस हिंदू राज्य की स्वर्ण मुद्राओं पर देव तिरुपति अर्थात भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का अंकन हुआ, विजयनगर साम्राज्य की। अगला क्वेश्चन है बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी, तुर्की में। अगला क्वेश्चन है 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करने वाला अरब आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है राजा कृष्ण देव राय किस धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के। अगला क्वेश्चन है सम्राट अकबर का पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अगला एक क्वेश्चन किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है, रोद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया, सूरत में। अगला क्वेश्चन है किस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। अगला है किस मुगल शासक ने ब्रिटिश को बंगाल, हैदराबाद एवं गुजरात के अपने क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की थी, फरूख सीयर ने। अगला है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है, यह वक्तव्य किसका है, रेमजे मियूर का। अगला हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान आकृष्ट करवाया किया था, चार्ल्स मैसन ने। अगला है किस संहिता को ब्रह्मा देव कहा गया, तो ऋग्वेद को। अगला दसराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, तो ये थी फरोसनी नदी। अगला है ख्वाजा अब्दू समद किसके दरबार का चित्रकार था, अकबर के दरबार का। अगला है जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, इब्राहिम सरकी ने। अगला
अगला है, मध्यकाल में सफेद संगमरमर का पहली बार के उपयोग किसने किसके निर्माण में हुआ था? इत्मदौला का मकबरा। अगला है, तुजुक के बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। अगला है, अष्ट दिग्गज किसकी राजसभा की शोभा बढ़ाते थे? कृष्णदेव राय की सभा की। अगला है, न्याय के लिए वार्ता से सीधे फरियाद करने का अधिकार किस मुगल शासकों से ने प्रदान किया था? जहांगीर और शाहजहां ने। हाँ, अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेजी कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था? कैप्टन हॉकिंस।